हाय एवरीवन, वेलकम टू योर लर्निंग क्लासरूम। इस वीडियो में भी हम आ आ ई लिखना सीखेंगे, लेकिन दूसरे तरीके से। हमारे चैनल पर आ आ ई लिखने सीखने के लिए एक और वीडियो है। उस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए, आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके भी उस पुराने वाले वीडियो को देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमें बच्चों को कुछ आकृतियाँ सिखानी होगी। ये आकृतियाँ आ आई अक्षरों को बनाने में सहायता करेंगी। जब बच्चे ये आकृति अच्छी तरह से बनाना सीख जाएंगे, तब ही आप इस वीडियो में बताए गए आगे के प्रोसेस की ओर बढ़ेंगे। चलिए अब इन आकृतियों की सहायता से देखते हैं कैसे हम अ आ ई अक्षरों को बनाते हैं। सबसे पहले अ को बनाते हैं। अब अ बनाने के लिए पहले इस प्रकार के जो एक आकृति थी उसका इस्तेमाल करेंगे। इस आकृति का इस्तेमाल पहले एक इस प्रकार से कर लेंगे और फिर इसी आकृति को ऐसे कर लेंगे और फिर बना देंगे। और फिर दूसरे प्रकार की आकृति, इस प्रकार की जो आकृति थी इसका इस्तेमाल करेंगे। और फिर इसी प्रकार के आकृति को एक बार फिर और बना लेंगे। और फिर इस प्रकार के जो आकृति थे इसको इस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे। ये बन जाएगा अ। और फिर अब आ बनाते हैं। आ बनाने के लिए भी पहले अ जिस आकृतियां से बनाए थे उस आकृति से पहले अ बना लेते हैं, पहले इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर इसी आकृति का थोड़ा इस प्रकार से इस्तेमाल कर लेंगे और फिर इस प्रकार की आकृतियों को दो बार बनाएंगे। फिर इस आकृति से इसे जोड़ लेंगे, ये बन गया अ। और फिर आ के लिए ये इसी आकृति का इसके बगल से बना लेंगे, ये बन जाएगा आ। अब बनाते हैं ई, छोटी ई। छोटी ई के लिए भी पहले इस प्रकार के जो आकृति था उसका इस्तेमाल करेंगे, इस रूप में ऐसे कर लेंगे, ये बना लेंगे। और फिर इसी आकृति का इस्तेमाल करेंगे लेकिन इस रूप में थोड़ा छोटा सा। और फिर आ बनाने में जो आकृतियों का इस्तेमाल किया था उनका इस्तेमाल करेंगे। पहले ऐसे बना लेंगे एक और फिर इसी आकृति को ऐसे करवा देंगे बच्चे से और फिर ऐसे बना लेंगे, इसमें जोड़ लेंगे और फिर इस आकृति का फिर से इस्तेमाल करेंगे, ये बन जाएगा ई। और फिर बड़ी ई के लिए भी पहले छोटी ई को ही बना लेंगे। देखिए ऐसे इसका इस्तेमाल करेंगे पहले, फिर इसी आकृति का इस्तेमाल छोटे रूप में कर लेंगे थोड़ा और फिर इस प्रकार की आकृतियों का इस्तेमाल करेंगे। और फिर इस प्रकार की आकृति, इसी आकृति को उल्टा करके लगा लेंगे और फिर इस प्रकृति का आकृति का इस्तेमाल कर लेंगे। और फिर इस आकृति को ऊपर में छोटा सा बना देंगे, ये बन जाएगा ई। अब चलिए देखते हैं ऊ बनाने के लिए। छोटा ऊ बनाने के लिए पहले इस प्रकार के जो आकृतियां थे उनका इस्तेमाल करेंगे ऐसे रूप में,
ये, और फिर इसी आकृति का फिर से एक इस्तेमाल कर लेंगे और फिर इस प्रकार का जो आकृति था ऐसे वाला, इसको इस रूप में इस्तेमाल कर लेंगे। ये बन गया U। अब बनाते हैं बड़ा U। बड़ा U के लिए भी पहले इस छोटे U को ही बना लेते हैं। इसके लिए छोटा U बनाने के लिए पहले जो इस्तेमाल किया था आकृति उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। इस आकृति का इस्तेमाल करेंगे और फिर एक इस प्रकार की आकृति था उसका इस्तेमाल कर लेंगे। ये बन गया बड़ा U। अब चलिए री बनाते हैं। री बनाने के लिए भी पहले इस आकृति का इस्तेमाल करेंगे। फिर एक बार और इस आकृति का इस्तेमाल करेंगे इस रूप में और फिर एक इस प्रकार की आकृति होगी उसका इस्तेमाल करेंगे। और फिर से इसी आकृति का इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा टेढ़ा करके इसको, और फिर से इस आकृति का इस्तेमाल इस रूप में करेंगे छोटा रूप से। फिर इस आकृति का इस्तेमाल करेंगे ऐसे छोटा सा प्रकार की जो आकृति था उसका इस्तेमाल कर लेंगे और फिर इस प्रकार की जो आकृति थी उसका इस्तेमाल छोटा सा कर लेंगे। ये बन गया री। अब देखते हैं ए बनाने के लिए। ए बनाने के लिए भी पहले इस प्रकार की आकृति का इस्तेमाल करेंगे इस रूप में और फिर इसी आकृति का इस्तेमाल करेंगे ऐसे, और फिर इसी आकृति का इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा टेढ़ा करके, और फिर एक इस प्रकार की जो आकृति होगी उसको थोड़ा टेढ़ा करके यहाँ से जोड़ लेंगे। ये बन गया ए। और फिर ए के लिए भी पहले ए ही बनाएंगे। इस आकृति का इस्तेमाल करना है पहले, इसी आकृति का इस्तेमाल करना है, फिर इसी आकृति का इस्तेमाल करना है और फिर इस प्रकार की जो आकृति थी उसको ऐसे करके बना लेंगे। ये बन गया ए। और फिर ए के लिए बस एक इस प्रकार के जो आकृति थी उसको ऐसे करके लगा देना। ये बन गया ए। अब बनाते हैं ओ। ओ के लिए पहले हमें आ बनाना होगा। आ जिन जिन आकृतियों से बनाए थे उनका इस्तेमाल करेंगे। देखिए पहले इस आकृति का इस्तेमाल कर लेते हैं ऐसे, और फिर इसी आकृति का इस्तेमाल इस रूप में करेंगे और फिर इस प्रकार की आकृतियों का इस्तेमाल करेंगे। और फिर से इस आकृति का इस्तेमाल करेंगे ऐसे, और फिर से एक आकृति का और ऐसे बना लेंगे। ये बन गया आ। और फिर ओ के लिए एक इस प्रकार का जो आकृति था उसका ऐसे रूप में इस्तेमाल कर देंगे। ये बन गया ओ। और आओ के लिए भी पहले हमें ओ बनाना होगा। ओ बनाने के लिए जिन जिन आकृतियों का इस्तेमाल किया था उनका फिर से इस्तेमाल करना है। ये देखिए इस आकृति का इस्तेमाल करेंगे पहले ये, फिर इसी आकृति का इस्तेमाल करेंगे इस रूप में,
और फिर इन आकृतियों का इस्तेमाल करेंगे, दो बार इस्तेमाल करेंगे इस आकृति का, फिर से इस आकृति का इस्तेमाल करेंगे और एक बार फिर इस आकृति का इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया। और ओ बनाने में जिन आकृतियों का इस्तेमाल किया था उनका इस्तेमाल, ये ऐसे एक बना लेंगे और फिर और इसी प्रकार की आकृति का एक बार और इस्तेमाल करेंगे। ये बन गया। और अंक के लिए भी पहले अ बनाना होगा। अ बनाने में जिन जिन आकृतियों का इस्तेमाल किया था एक बार फिर से उनका इस्तेमाल करेंगे हमने। ये देखिए, पहले इस आकृति का इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर इसी आकृति का इस्तेमाल करेंगे इस रूप से, और फिर इस प्रकार की आकृतियों का इस्तेमाल करेंगे, उस प्रकार की आकृति का दो बार इस्तेमाल करेंगे, फिर से इस प्रकार की आकृति का इस्तेमाल करेंगे। ये बन गया अ। और फिर एक इस प्रकार का जो आकृति था इसका इस्तेमाल हम लोग कर देंगे। ये बन गया अंग। और अ के लिए भी पहले अ ही बनाना होगा। अ बनाने में जिन जिन का इस्तेमाल किया था उनका फिर से इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, पहले इस आकृति का इस्तेमाल करेंगे, फिर इसी आकृति का इस रूप में इस्तेमाल करेंगे, और फिर इस प्रकार की आकृतियों का दो बार इस्तेमाल करेंगे, फिर से इस प्रकार की आकृति का इस्तेमाल करेंगे, और फिर इस प्रकार की जो आकृति था उनका दो बार इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर एक और एक यहाँ पर। ये बन गया अह। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल पर इसी प्रकार के और बहुत सारे वीडियो हैं, उन वीडियो को देखने के लिए वो यहाँ लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आपको वीडियो की प्लेलिस्ट और चैनल का लिंक मिल रहा होगा, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार के और बहुत सारे वीडियो आते रहते हैं।